क्या सिर कटने के बाद कोई इंसान या जीव जंतु जिंदा रह सकता है? हम कहें कि हाँ बिल्कुल जिंदा रह सकता है, तो आप कहोगे क्या यह बकवास कर रहा है। लेकिन सच में फ्रेंड्स, आज से करीब 75 ईयर वाले अमेरिका के कोलोराडो शहर में एक मुर्गा सिर कटने के 18 महीने बाद तक जीवित रहा। यकीन नहीं न हो रहा, मुझे भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th सितंबर 1945 को कोलोराडो के फ्रूटा में रहने वाले किसान लॉयड ओल्सेन अपनी पत्नी क्लारा के साथ अपने फार्म पर मुर्गे मुर्गियां को काट रहे थे। उन्होंने बहुत सारे मुर्गे मुर्गियों को काटा। इस दौरान लॉयड ने 5.5 महीने के एक मुर्गे का सिर काटा जिसका नाम मेडिकल माइक था। लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब वह मुर्गा मरा नहीं बल्कि दोस्तों बिना सिर के ही दौड़े जा रहा था। इसके बाद लॉयड ने उसे एक बक्से में बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह जब उठकर देखा तो वह जिंदा ही था। बिना सिर के मुर्गे के जिंदा रहने की खबर धीरे धीरे पूरे कोलोराडो और उसके बाद अमेरिका के कई शहरों में यह बात आग की तरह फैल गई। सॉल्ट लेक सिटी शहर में स्थित यूटा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने यह जानने के लिए कई मुर्गों के सिर काट दिए थे कि बिना सिर के वह जिंदा रह पाते हैं कि नहीं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और मिस्टीरियस हब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। साइंटिस्ट को लेकिन माइक जैसी खूबी उन्हें किसी भी मुर्गे में नहीं मिली। आपको मन में ख्याल जरूर आ रहा होगा कि यह मुर्गा सिर कटने के बाद खाना कैसे खाता होगा। तो सुनिए, इस मुर्गे को ड्रॉप से जूस और अन्य खाद्य पदार्थ दिया जाता था और उसकी भोजन नली को सिरिंज से साफ किया जाता था ताकि उसका दम ना घुटे। कहते हैं कि मेडिकल माइक इतना फेमस हो गया कि उसे देखने तक के लिए टिकट लेना पड़ता था। उस जमाने में वह उस मुर्गे से $4,500 कमाए थे। करीब INR में कन्वर्ट किया जाए तो 3,40,000 रुपये बैठती है। इस मुर्गे की वजह से ही लॉयड ओल्सेन की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर बिहेवियर एंड इवोल्यूशन से जुड़े चिकन एक्सपर्ट डॉक्टर टॉम स्मल्डर्स कहते हैं कि आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, मुर्गे का सिर उसकी आंखों के कंकाल के पीछे एक छोटे से हिस्से में होता है। माइक की चोंच, चेहरा और आंखें निकल गई थीं, लेकिन स्मल्डर्स का अनुमान है कि उसके ब्रेन का 80% हिस्सा बचा रह गया था जिससे माइक का शरीर चलता रहा। 10th सितंबर 1947 को उसकी मौत हो गई। इस मौत के पीछे की वजह बताई जाती है कि लॉयड ओल्सेन उसे जूस देने के बाद उसकी भोजन नाली को साफ करना भूल गया था। लेकिन आज फ्रूटा में हर साल हेडलेस चिकन फेस्टिवल मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इस फेस्टिवल में अलग अलग शहरों से लोग यहाँ शामिल होते हैं। यहाँ कई तरह की कॉन्टेस्ट भी कराया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।